दिल्ली के शहीदी पार्क का रुख कर लेते हैं। अंजलि मेरी सहयोगी वहां पर मौजूद है। अंजलि, लेफ्ट पार्टीज ने यहां पर प्रदर्शन का आह्वान किया था, क्या स्थिति इस समय? जी देखिए, यहां पर कुछ संगठन से जुड़े हुए लोग यहां पर पहुंचे, कुछ पार्टी से जुड़े हुए। हालांकि यहां पर किसी तरह की प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं है, लेकिन ये लोग यहां पर पहुंचे हैं और लगातार जो नारेबाजी है वो की जा रही है। संगठन से जुड़े हुए कुछ नेता भी यहां पर हैं। आप लोग यहां पर आज प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं दी गई है, फिर भी आप लोग यहां पर पहुंचे हैं। देखिए, आज यहां पे बस शांतिपूर्ण एकजुटता सभा का कॉल था। आज यहाँ से लोगों को लेकर भी जाया जा रहा है। आगे आप तस्वीरें देखेंगे। आप लोग जब यहाँ पे इजाजत नहीं है तो क्यों इकट्ठे? आज किसानों के समर्थन में उनका जो आज राष्ट्रीय प्रतिरोध दिवस का कॉल है, दिल्ली के नागरिक यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं शांतिपूर्ण प्रतिरोध सभा के लिए। और आप देख सकते हैं कि देखिए पुलिस किस तरीके से उठा रही है, आप खुद देख सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न होती है तो कौन आपको लग रहा है? हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हमारे साथ ही देखिए, यहाँ पर ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है। पुलिस ने साफ कर दिया था कि किसी भी तरह के प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं है, और यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हुई तो पुलिस यहाँ से इनको हटाने का काम कर रही है। आयशा का ये जो प्लेकार्ड हाथ में लिया हुआ है इन्होंने, फिलहाल इनको यहाँ से पकड़ कर ले जाया जा रहा है। जो संगठन के नेता है उनका कहना है, देखिए एक एक करके इनको बसों में भरा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने साफ कह दिया था कि यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से बताएं ये जगह बेहद खास है। यहाँ से करीब 10 से 15 मिनट की दूरी पर लाल किला, इंडिया गेट, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन सब मौजूद है, और यही वजह है कि इन लोगों को यहाँ कोई प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा। पिछली बार जिस तरह की तस्वीर देखी गई जी, उसको देखते हुए और ये अब इनको बसों में भर कर ले जाया जा रहा है। पहले ही अंजलि आप बनी रही है हमारे साथ, और हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो तस्वीरें हैं हम आपको ABP News आपको रखे आगे।